Assalamualaikum everyone, welcome back to my another video. और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दो स्पेशल वेज कबाब। तो वेज कबाब बनाने के लिए मैंने सोयाबीन को एक घंटे तक भिगो दिया था। हमें इसका पानी निचोड़ कर इसे सूखा देना है। यहाँ सोयाबीन का पानी निकाल दिया मैंने, बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें मिक्सिंग जार में डालकर इनका कीमा बना लेंगे। तो सोयाबीन का मैंने अच्छे से यहाँ पर कीमा कर लिया है। मसालों में मैंने यहाँ लिया है 2 टीस्पून बेसन, 2 टीस्पून मैंने सूजी ली है, यहाँ पर एक छोटे साइज की प्याज काटी है, थोड़ा हरा धनिया है, 4 हरी मिर्च ली है और थोड़ा सा नमक लिया है। सबसे पहले हम कीमे में डालेंगे बेसन, प्याज, हरा धनिया, यहाँ 1/2 टीस्पून में ले रही हूँ चाट पाउडर, सूजी, बारीक कटी हरी मिर्च एंड नमक। यहाँ 1 टीस्पून में लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर रही हूँ। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ें मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं 1 टीस्पून ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालने के बाद इन चीज़ों को हम दोबारा से कर लेंगे मिक्स। सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम इसे कबाब का शेप दे देंगे। इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो रही है। अगर आपको लगे कि थोड़ी सी बाइंडिंग नहीं हो रही अच्छे से, तो आप इसमें 1 टीस्पून बेसन और मिला सकते हैं। यहाँ मैंने सभी कबाब को अच्छे से बना लिया है। अब हम बनाएंगे दूसरे तरह से कबाब। यहाँ मैं टिक्की वाले कबाब भी बना रही हूँ। यहाँ 2 तरह से कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें कर लेते हैं फ्राई। तेल यहाँ अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम कबाब को कर लेंगे डीप फ्राई। यहाँ हमारे वेज कबाब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। हमारे गोल वाले कबाब भी बनकर रेडी हो चुके हैं। आप अपनी शेप के अकॉर्डिंग बना सकते हैं इन्हें। इसे हरी चटनी और लाल चटनी के साथ भी आप खा सकते हैं। ये दिखने में जितने लाजवाब लग रहे हैं उतने खाने में भी बहुत लजीज बने हैं। आई होप अगर आपको मेरे ये वेज कबाब रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।